हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपल डिशेस। आज की रेसिपी में है मलाई पनीर। ये एक बहुत ही सिंपल और इजी सा रेसिपी है जो हम झटपट बना सकते हैं बिना प्लानिंग किए। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सबको बहुत पसंद भी आती है। चले हम बनाते हैं। अब हमें सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें एक कप पानी डालेंगे और एक मीडियम साइज का प्याज, 7-8 काजू के टुकड़े, 2 दालचीनी, 2 इलायची, थोड़ा सा जावित्री और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे व्हाइट पेपर भी डाला है और इसे उबाल लूंगी। जैसे थोड़ा पानी बचेगा गैस बंद कर दूंगी, ठंडा होने के बाद ब्लेंडर जार में डाल के पेस्ट बना लूंगी। अब मैं पैन ले लूंगी वही वाला और उसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी, साथ में थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी ताकि बटर जल ना जाए। यहाँ पे अब मैं जिंजर और गार्लिक का 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगी और तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कच्चा स्मेल ना चला जाए। प्याज के साथ अदरक और लहसुन को भी आप उबाल कर आप पेस्ट बना सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था अदरक लहसुन का, इसलिए मैंने नहीं डाला उबालते वक्त। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडर जार वाला पेस्ट डाल दूंगी और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूंगी अदरक लहसुन के साथ। उसी जार में मैं 1/2 कप पानी डालूंगी और यहाँ पे डाल दूंगी, साथ में 1 टीस्पून नमक भी डाल दूंगी और फिर अच्छी तरह से हम उस ग्रेवी को पका लेंगे। देखिए उसमें बॉईल आ गया और ग्रेवी थिक भी हो गया। अब हम यहाँ पे पनीर क्यूब्स में काट के रखे थे वो एक एक कर यहाँ पे सब डाल देंगे। मिक्स हो गया पनीर को अच्छी तरह से, हमने ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चीनी डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आपको नहीं चाहिए तो आप मत डालिए। अब हम यहाँ पे मलाई डालेंगे। मलाई पनीर में मलाई तो डालना ही है, तो हम यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून के करीब हम यहाँ पे मलाई डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। पनीर डालकर हमें इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, तो हम यहाँ पे अब कसूरी मेथी डाल देंगे और हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बटर डाल के इसे हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम फ्लेम ऑफ करके गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी इस रेसिपी को बनाएं। आपकी व्यू और कोई सजेशन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।